24/7 इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं देवरिया से, जहां नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने दाखिल किया अपना पर्चा। जी हां, आपको बता दें, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेजी हो चुकी है, वहीं आज नामांकन के आखिरी दिन देवरिया जनपद के सदर ब्लॉक और विभिन्न ग्राम सभाओं से प्रधान पद प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे हैं। ऐसे में ग्राम सभा पीपरपाती चिंता मक्षक से प्रधान प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा शुक्ला, माता आशीष प्रताप शुक्ला और ग्राम सभा बढ़हरा से मालती देवी पुत्र गरुड़ चतुर्वेदी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और हमारे चैनल से खास बातचीत करते हुए बताया कि हमारा ग्राम सभा विकास से अभी तक अछूता रहा है। मैं वादा करती हूँ कि जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं अपने ग्राम सभा में केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को लागू करने का काम करूँगा, अधूरे कार्यों को पूरा करने का भी कार्य करूँगा। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर में जिला पंचायत पद वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी किरण देवी पत्नी विजय कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में ग्राम पद प्रत्याशी व जिला पंचायत सद प्रत्याशियों ने क्या कहा। आप सभी से आग्रह है कि कोविड का दौर चल रहा है, जितना दूरी आप बनाएंगे उतना अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अपने आप को मास्क जरूर ढकें और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप अपने भी स्वच्छ रहें, अपने परिवार को भी स्वच्छ रखें व स्वस्थ रखें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। मैं ग्राम सभा के प्रत्याशी चितामन चक से, मेरी माता श्रीमती पुष्पा शुक्ला जी प्रत्याशी हैं और मेरा मकसद है कि आज देवरिया सदर विधानसभा में ग्राम सभा प्रत्याशी चितामन चक जो पिछड़ा हुआ है, आज तक जो सरकारी योजनाओं से दूर रहा है, मैं अगर ग्राम सभा की सम्मानित जनता ने मुझे अवसर दिया तो ग्राम सभा में विकास की गंगा बहाने का मैं वादा करूँगा और जो भी सरकारी योजनाएँ हैं वो जनता तक पहुँचेगी और समाज के अंतिम पिछड़े व्यक्ति तक मैं सारे योजनाओं का लाभ मैं दूँगा। चाहे मैं पारदर्शी ढंग से जांच करा करके जिसके पास आवास नहीं होगा मैं आवास दूंगा, जिनका राशन कार्ड नहीं है मैं राशन कार्ड भी दूंगा और जो भी ग्राम सभा में सड़कें नालियां खंभों पे लाइट सार्वजनिक स्थलों पे सोफा या नगरवा धाम मंदिर का जीर्णोद्धार, ये मैं वादा पूरा करने का मैं काम करूँगा। अगर ग्राम समर में तो बहुत सारे लोग ऐसे वादे करते हैं, चुनाव निकल जाने के बाद से क्या वो वादे पूरे करने में खड़े उत्तरते हैं? मैं संत विनोबा शांत उत्तर महाविद्यालय का छात्र संघ महामंत्री रहा, अगर मेरे जीवन परिचय में किसी को जानकारी लेनी हो तो संत विनोबा से मेरी सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। मैंने जो वादा संत विनोबा के भाई बहनों से किया, मुझे वर्ष तक पूरा करने का प्रयास मैंने किया संत विनोबा में और संत विनोबा के सारे छात्र छात्राएँ गुरुजन जो भी हैं वो मेरे बारे में बताएंगे। मैं वो प्रत्याशी नहीं हूँ जो झूठ बोल दूँ कि मैं रोजगार लगाऊँ, मैं कुटीर उद्योग लगाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैं वही करूँगा जो ग्राम प्रधान का हक है और जनता का हक ग्राम प्रधान से बनता है, मैं उसको भरपूर देने समाज में भेजने का काम करूंगा। मैं झूठ बोलने का काम जनता से नहीं करूंगा। जो एक ग्राम प्रधान का जिम्मेदारी होती है ग्राम सभा के प्रति, उस जिम्मेदारी पे मैं खरा निर्वहन उतरने का काम करेंगे। कैसे पर्चा आपने दाखिल किया? मैंने 4 सेट पर्चा दाखिल किया है। क्या नाम है आपके माता जी का? श्रीमती पुष्पा शुक्ला। ग्राम सभा कौन सा? ग्राम सभा चलते हुए आइए। कौन से ग्राम सभा से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी? कितने सीट पे आपने अपना पर्चा दाखिल किया? जी, देवरिया सदर में मेरा ग्राम सभा बढ़ारा है, नया पंचायत रघुवापुर है और मैंने आज अंतिम दिन जो है 2 सेट में पर्चा भरा है। यहाँ मेरा मुद्दा चुनाव लड़ने का विकास है और मेरे ग्राम सभा में करीबन 10 सालों से कुछ माताएं विधवा हैं जो 10 सालों से उनका पेंशन नहीं बना है। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो 80-80 साल के हो चुके हैं, सरकार कहती है कि उनके 60 साल पे उनको पेंशन देना है लेकिन उनका अभी तक पेंशन नहीं बना है। गाँव में नालियों की दशा बहुत दुर्दशा है, जो शादी विवाह अनुदान सरकार दे रही है वो भी गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
तो मेरा मुद्दा यही है कि मैं सरकार में आके विकास करूंगा। इस समर में तमाम तरह के प्रत्याशी वादे करते हैं, क्या आप उन वादों पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल 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 खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सरकार जो योजनाएं चला रही हैं आम जन तक वो पहुंचे, इसका पूरा प्रयास करूंगा। पूर्व प्रधान से क्या आप अलग करेंगे जो वहाँ के गांव के जनता आप वोट दे? मेरे ग्राम सभा में पूर्व प्रधानों को बस ये था कि बस पैसे पे चुनाव लड़ना है, उनको जनता का सेवा नहीं करना है। मैंने अपने ग्राम सभा में वास्तविक सेवा जो कहते हैं बिना आरक्षण की चिंता किए कि अनुसूचित होगा पिछड़ी होगा कि सामान्य होगा, मैंने जनता के बीच में काम किया है और निश्चित रूप से जनता मुझे चुनेगी। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा बढ़ारा। नाम क्या नाम है? गरुड़ चतुर्वेदी। माता जी का क्या नाम है? मालती देवी। के विकास का मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज जनता वोट मांगेंगे? रामपुर का थाना दक्षिणी वार्ड नंबर 12 संख्या से जी। आज कितने सेट में पर्चा दाखिल किया आपने? कितने सेट में पर्चा? क्या नाम पड़ेगा आपका? शुभ नाम? किरण देवी। अच्छा जी, आप जनता के सामने कौन से मुद्दों को लेकर वोट मांगने जाएंगे? जनता के विकास के लिए हम वोट मांगने जाएंगे। कुछ अहम मुद्दे, कुछ मुख्य मुद्दे जो बताइए? जो लोग गरीब हैं उनके लिए हमको लड़ना है। सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या वो ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे आप? एकदम करेंगे, उसी के लिए हम लोग क्षेत्र में हम लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जनता जनता के लिए मैं कुछ कर सकूँ। केंद्र सरकार से जो योजना आ रही है, सबको मैं अभी चुनावी सरगर्मी तेज है और ग्रामीणों को और वोटरों को लुभाने के लिए कई मांस मदिरा का भी उपयोग लोग कर रहे हैं प्रत्याशियों द्वारा, तो क्या ऐसा कुछ कार्य आप भी करेंगे क्या? नहीं सर, ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे, मैं इसके पक्ष में रहता ही नहीं हूँ जी। इसका विरोध कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, इसका तो विरोध। जनता का क्या ओपिनियन है आपके प्रति? जनता का ओपिनियन अच्छा है, सहयोग कर रही है जनता, जनता हमको लाइक भी कर रही है, वैसे हम काम करते हैं और चुनाव जीतेंगे भी हम। धन्यवाद।